हमारी एज में ज्यादा से ज्यादा दो मसले हैं, ठीक है, जो मुझे लगा, हम या हमें शादी की टेंशन होती है, या हम लोगों को ये टेंशन होती है कि हम लोगों ने स्टेबल कैसे होना है उस लाइफ में घुसने के लिए। मतलब जो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है आप के लिए, आप लोगों ने सक्सेस के लिए, हम लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट इज रियल सक्सेस? मतलब सक्सेस क्या है? अच्छा, इन दो चीजों में तो नहीं है सक्सेस, जिसको तो आपने कहा ना, ये वाकई प्रेसिडेंट सेट, प्रेसिडेंस जो है ना, ये कुछ कुछ 100 साल पहले से सेट हुआ है। तो मैं भी उसी पानी में पैदा हुआ जिसमें आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं भी। तो जो पानी के ऊपर पहुंच जाते हैं, हम समझते हैं यही बस सक्सेस है, जो बस सांस ले लेते हैं। हालांकि आप और करेंगे, पानी की तह में भी बड़े खुश लोग पाए जाएंगे, उनको कोई फिक्र नहीं होगी कि वो ऊपर क्यों नहीं पहुंच रहे। तो सक्सेस ये नहीं है कि जो लोगों ने बताया आपको, सक्सेस की डेफिनेशन तो अंदर हर एक के अंदर है, उसकी निशानियां हमें ऐसे मिलती हैं कि जब आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है कि जो अपने किसी ऐसे मकसद में खुश है, इसमें वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा ये अलग बहस है, वो काम कर रहा है उसके लिए, वो काम लोगों के लिए कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसको तस्कीन है। तो वो कम पैसे हैं या कवारा है, उसकी तलाक हो चुकी है या वो बेवा औरत है, डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर इज कि वो उसका रुख अपने उसी मकसद की तरफ है, वो चाहे आधा कदम उठाता है, वो दौड़ के जा रहा है उसकी तरफ। वो तो डिपेंड करता है कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने क्या मैसर करके दिया है। अगर लोगों को पैदा ही किसी मेरी ध्यान में किया, तो वो पैसों के अलावा हर चीज़ के बारे में स्ट्रेस ले लेते हैं। जिन लोगों को पैसों के ज़रा मामला कम कम हैं, वो फिर ये बहाना करते हैं कि पैसे नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, जो आपने कहा ना। सो इट्स नॉट अबाउट मैरिज, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फाइंडिंग द एक्चुअल पर्पज़ जो कि हमें अट्रैक्ट करता है। मैं आपको इसकी निशानी बताता हूँ। 300-400 साल पहले जो बिलियनर्स थे ना, वो असल में विलन करार दे दिए, हमारा इंटरनल सिस्टम उनको विलन कहता था। कानून का वो कारनामा याद है आपको, सिवाय इसके कि उसके करोड़ों लाखों अरबों दिनार जो थे ऊँटों के ऊपर कुंजियाँ आती थी उसके खजानों की। तो नोबडी वांट्स टू नेम हिज सन कारून नाउ, पर एवरीवन वांट्स टू नेम हिज सन बिल और स्टीव और रिचर्ड ब्रांसन और जकरबर्ग, यू नो सर, बिकॉज ये डेफिनेशन बड़ी रिसेंटली चेंज हुई है। सो ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं। ज़ाहिर है आप शादियों की कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, जो पहले वो भी होती थी 2-3 हज़ार साल पहले, 300-400 शादियां होती थी बंदों की। तो उस वक्त वो क्या पता क्लैमराइज होते हैं, आई एम श्योर होते होंगे, जैसे नेचुरल वे ऑफ हाउ सेटन एक्चुअली वर्क्स। बहरहाल द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली सीधा खड़ा होने में, ज़्यादा पैसे बनाने में या ज़्यादा शादियाँ करने में नहीं है। सीधा खड़ा होने का मकसद क्या है? मतलब यह है कि आपने एक रुख का तयन कर लिया कि जी हाँ, मैंने यही काम करना है और इसमें इतने लाखों करोड़ों हजारों, क्या पता एक बंदे का फायदा हो रहा हो, क्या पता सिर्फ आपका ही हो रहा हो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, मगर आपने उसको लिख लिया है कि भाई दिस इज व्हाट माई माई पर्पज इज। एज सून एज यू हैव दैट, यू गोइंग टूवर्ड्स इट, फिर वो अचानक अचानक आप देखेंगे कि आपको लोगों की आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। अभी जितने भी लोगों की आपको आवाज़ें आती हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आप सुनना चाह रहे हैं। जो लोग अपने मकसद पे होते हैं ना, उसकी मैं मिसाल देता होता हूँ। जैसे आप इस वक्त दफ्तर जाते हैं या लोग बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो आप देखते हैं बाल कैसे हैं आपके, खा कपड़े कौन से पहने हुए, आपने कहाँ जाना है उसके लिए, आपके पास क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं, यहाँ तक कि ये भी देखते हैं कि पैसे भी हैं आपके पास क्या नहीं। मगर आपको मैं मिसाल ही देता हूँ कि आप अगर शावर ले रहे हो और अचानक आपको आवाज़ आई कि आपका बच्चा या कोई बहुत छोटा भाई बहन सीढ़ियों से गिरी आपके घर में, छत से गिरी खुदा न खास्ता, और उस आवाज़ से आपको सिर्फ एक तौलिया मुयस्सर था बाथरूम में, वो तौलिया बांध के बाहर आएंगे, देखेंगे खून में लथपथ बच्चा है, तो आपका पहला काम क्या होगा? अस्पताल पहुंचना। क्या वापस जाके कलफ्स लगा हुआ शलवार कमीज पहनेंगे या फिर अपनी डिजाइनर जीन्स ढूंढेंगे? आप कभी भी नहीं, ये भी नहीं देखेंगे कि वॉलेट है कि नहीं, दायरे तौलिए में तो नहीं जेब होती वॉलेट की, आपने उसी तरीके से दौड़ लगानी। और ये नहीं सोचेंगे कि दुनिया क्या देख रही है, सब में कैसा लग रहा है, एक्चुअली कोई लड़की भी होगी ना उसको भी ये नौबत आए खुदा ना खास्ता, तब भी वो नहीं देखेगी दुपट्टा चादर पहनी हुए, कपड़े कौन से पहने हुए, चप्पल पैर में है या नहीं। उस वक्त बच्चा कंधे पे होगा और रुख होगा अस्पताल की तरफ, जो भी करीब तरीन अस्पताल होगा, एक्चुअली भी ये भी नोट किया आप, 10-12 अस्पताल हैं इलाके में, मगर आप सबसे करीबी अस्पताल में जाते हैं।
क्यों? क्योंकि मकसद इतना क्लियर हो जाता है ना उसमें, और जब मकसद क्लियर होता है तो ये सारी की सारी जो पोल्यूशन है ना खत्म हो जाती है। बिल्कुल ही तरीके से बिल्की सीधी की पोल्यूशन खत्म हुई, अब्दुल सतारीदी की हुई, जिन्ना की हुई, यू नेम इट। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जिनका पैसों से कोई ताल्लुक वास्ते नहीं है। ये शक्ल से भी गरीब हैं और कपड़ों से भी गरीब हैं, मगर काम देखें इनको, ये लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। बिल गेट्स नहीं अट्रैक्ट करता कभी भी, बिल गेट्स से पैसे निकालू इज़ नॉट वन ऑफ द अट्रैक्टिव पीपल एनी मोर, इट इज़ द डॉलर इन हिज बैंक अकाउंट दैट एक्चुअली मेक्स हिम बिल गेट्स। सो दैट्स अ पिटी। अगर मेरे बारे में कोई ये बात करे, आपके बारे में भी करे कि आपकी कोई औकात नहीं सर, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, तो आप उन लोगों से नफरत करेंगे। तो बिल गेट्स को तो चाहिए पूरी दुनिया से नफरत करे, पूरी दुनिया से उसके पैसे गिनती रहती। Nobody wants to know what kind of man he is. तो होता क्या है फिर, उसने भी लीक किया, फिर एक अक्ल आ जाती है, शोर आता है बंदे को जब, तो उसने फिर वो पैसे देना शुरू कर दिए। वो 82 बिलियन डॉलर से आप 60 some billion dollar पे आ गए, उनको सारे के सारे पैसे दे रहे हैं। इस वक्त 2184 बिलियन है दुनिया में इस वक्त रजिस्टर्ड, और वो भी रजिस्टर्ड, ज़्यादा कोई बताता तो नहीं है ना, खा जाएंगे लोग टैक्स वाले खा जाएंगे पहले तो, बस जिस तरीके से पता चल गया बस बाहर वो है। उनमें से 30% लोग ऐसे जिन्होंने दुनिया में प्लज कर लिया है कि हम मरने से पहले पहले पैसा दे देंगे। 60% के करीब ऐसी आवाम है उनमें से, इनका एक क्लब है पूरा, ये मैं स्टैट्स के साथ बता रहा हूँ, कि जिन्होंने कहा था हम 30% पैसे दे देंगे, फिर 40% पैसे दे देंगे, फिर 50 तक नौबत आ गई। ये जेफ बेजोस ने 50% का प्लेज किया हुआ जो अमेजोन का ओनर है। फिर एक जाहिर है जब एक बंदे को जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है उतना ज़्यादा होता है उसको उतनी ज़्यादा स्पीड से आता है फिर वो अस्पताल की तरफ पहुँचता है। तो ये क्यों ये पैसे देना चाह रहे हैं, इंटरनल केमिस्ट्री की आवाज़ें अपनी है। ये जो आप कह रहे हैं इस वक्त के प्रेसिडेंट सेट हुआ, ये बिल्कुल गलत और बाहर से सेट हुआ। इंटरनल केमिस्ट्री क्यों चल ऑर्डर कर सकता है किसी की, एक अल्लाह का निज़ाम है और एक इंसान हमारा निज़ाम है जो हमने मायदा फादर मदर बनाया हुआ है। तो अल्लाह का निज़ाम तो अंदर की केमिस्ट्री, वो अट्रैक्ट होता है उन लोगों से जो देने वाले लोग थे। आज तक हम में से कोई भी, आप दुनिया का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारे, कोई रिसीवर आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा कि जो बैठा हुआ हर वक्त में बैठा के मुझे ये भी मिल जाए मुझे वो मिल जाए, इसके प्राइस टैग सर पे लगा हुआ होगा। यू विल बी रिपल्स बाय हिम, व्हाई वुड यू बी रिपल्स बाय हिम, इंटरनल केमिस्ट्री की आवाज़ कुछ और होती है। सो दिस इज वेयर द एक्चुअल सक्सेस कम्स फ्रॉम। आज तक जितने भी दिन आपने कॉन्शियसली गुजारे हैं उनका मुआयना करें, उनमें देखें कितने दिन आपने लेने के प्लान में गुजारे हैं, कितने दिन देने के प्लान में गुजारे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वर यू सक्सेसफुल मैन और नॉट। एक भी दिन आपने, मैं बता रहा हूँ, एक भी कॉन्शियस दिन अगर देने के लिए गुजारना शुरू कर दिया, तब आप अंदर से लेने वाले दिन की प्लानिंग नहीं करेंगे। इतना आसान है ये काम करना, क्योंकि देने के लिए कोई बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं होती। चाहे आपके पास 10 रुपये आपने वो दे दी, देने के लिए तो वो परसेंटेज होती है ना वेट के, जितना बल्कि जितना कम पैसा होगा उतना ज़्यादा बड़ा गिवर होता है इंसान, क्योंकि उसके पास ज़्यादा किल्लत है फिर भी दे रहा है वो।